उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री मोदी की ऋषिकेश में 11 अप्रैल को आयोजित होने वाली रैली से पहले आईडीबीएल मैदान ऋषिकेश में भूमि पूजन किया। इस जानकारी को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर दिया। मुख्यमंत्री धामी ने लिखा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि देव भूमि की देवतुल्य जनता भी उत्तराखंड की 5 सीटों पर कमल खिलाकर अब की बार 400 पार के लक्ष्य को साकार करने में अपना योगदान अवश्य देगी। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तराखंड के बागेश्वर में एक सार्वजनिक बैठक की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक बैठक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। हमें पीएम मोदी को अपना पूर्ण समर्थन देना है और उन्हें मजबूत करना है। उन्होंने विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है और प्रदान किया है। सुनिए आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए इस बार हमको एक तरफा समर्थन यहां से देना है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी ने हमारे उत्तराखंड के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कोई योजनाओं को देने में देर नहीं की, जो भी योजना उनसे कहा और उनकी जो त्वरित रूप से काम करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है भाई बहन, 2 लाख करोड़ से। भूतों ने भविष्य की, इसलिए अब हमारी बारी है कि मोदी जी को हम लोग ताकत प्रदान करें, उनको ऊर्जा दें और जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है उस 400 पार के नारे को पूरा करने में देवभूमि उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति अपना योगदान देगा।